नमस्ते, मैं सोनू सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं क्लीन भोजपुरी। जी हाँ, आज जो है हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद, महेश पांडे को लेकर और उस पे जो है ब्राह्मण को लेकर सम्मान की बात। लगातार जो है खेसारी लाल यादव के टीम से, खेसारी लाल यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप जो है एक ब्राह्मण को जो है वो इस प्रकार से उसको जो है ऐसी हालत कर दिए, उसको सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, तीन चार टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले मैंने खेसारी लाल यादव के लाइव के ऊपर बात करते हैं और पूरा वीडियो में इसी के ऊपर बात भी करेंगे, ठीक है? तो पूरा वीडियो देखिएगा। खेसारी लाल यादव का कहना यह है कि आप एक ब्राह्मण को जो है बेइज्जती कर रहे हैं, एक ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा खेसारी लाल यादव जो है जातिवाद कार्ड खेलने का पूरा मतलब की कोशिश किए हैं। तो यहां पे हम एक बात बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण सिर्फ हो जाने से उनका सम्मान नहीं होता है खेसारी लाल यादव जी। जी हाँ, आप जिस संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, आप जिस कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं भारत का, वही संस्कृति और वही कल्चर में ब्राह्मण का वध भी किया गया है। आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दे रहा हूं, रावण सतयुग में श्री राम भगवान का अवतार लेकर आकर एक ब्राह्मण का वध किए थे। क्यों? क्योंकि वो दुराचारी था, अत्याचारी था, और जब कोई ब्राह्मण ऐसे काम करे ना तो उसको जो है ना वो दंड देना जरूरी हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं श्री कृष्ण। लोग कहते हैं कि यदुकुल से ही आते हैं। श्री कृष्ण जो है अर्जुन के रथ पे खड़ा होकर जो है द्रोणाचार्य, कृपाचार्य कौन थे? ब्राह्मण ही तो थे, गुरु ही तो थे, उनका वध करवा दिया अर्जुन से। तो जहां अधर्म हो ना और धर्म के पक्ष में ब्राह्मण ना हो तो उनको दंड भी देना जरूरी होता है। एक चीज और बता रहे हैं आपको, अश्वत्थामा, जिसको यह कहा जाता है कि अश्वत्थामा जो है आज भी जो है शराब की वजह से जो है कलयुग में भी जिंदा है और वो दर्द लेके घूम रहा है। कौन दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे। तो अगर शुरू से आदि काल से लोग जो हैं, भगवान अगर खुद जो है ब्राह्मण को दंड दे सकते हैं तो फिर हम और आप क्यों नहीं दे सकते हैं? वैसे ब्राह्मण को जो मुंह जब खोलता है तो सिर्फ और सिर्फ गाली से बात करता है। अब चलिए बात करते हैं हम आपके ऊपर। आप कह रहे थे कि हम जो है ब्राह्मण का बड़ा सम्मान करते हैं, गिनवाते हैं आपका भी सम्मान। हम शुरू से शुरू करते हैं। आर राजकुमार पांडे, भोजपुरी के सबसे बेस्ट डायरेक्टर में से एक, कितना आपने सम्मान उनका किया है ये पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता है। दूसरा मनोज आर पांडे, उन्हीं का भाई है, आप उनका कितना सम्मान किए हैं ये भी पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता है। तीसरा चिंटू पांडे, आर राजकुमार पांडे का बेटा है, वो भी ब्राह्मण है, उनका आपने कितना सम्मान किया है ये भी हम सब जानते हैं। चौथा प्रियंका पंडित, एक लड़की, ब्राह्मण तो छोड़िए एक लड़की, आपने उनका कितना सम्मान किया है ये भी पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता है। और काउंट करवाते हैं आपको, रितेश पांडे, हाँ वही रितेश पांडे, रॉक स्टार रितेश पांडे, जिनके साथ शायद अभी आपके अच्छे रिलेशन हुए हैं, ये पांचवा हो गए, इनके साथ भी आपने किस तरीके से व्यवहार किया है ये भी पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता है। अरे वो तो छोड़िए, अरविंद अकेला कल्लू, जिनके बारे में आप बंद कमरे में बोल रहे थे कि 5 लाख की औकात नहीं है, आपने उनका भी कितना सम्मान किया है। 6 लोग हो गए, ये सब ब्राह्मण ही है। आशीष वर्मा, सुनने में आता है कि ये भी ब्राह्मण है। 7वां, इनका भी आपने कितना सम्मान किया है पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता है। जब जब आप अपने फायदे का मतलब देखे कि यहां पे फायदा मुझे हो रहा है, इन सबको आपने इंसल्ट किया है। यहां तक आप राजकुमार पांडे को क्या बोल रहे थे, वो तो भूतपूर्व डायरेक्टर हैं। सभी लोगों के ऊपर ऐसे शर्ट खोल के दिखा रहे थे ना चिंटू पांडे को एक बार कि देखिए हम कहां से मर्द नहीं दिखते हैं। अरे वो ब्राह्मण ही थे, वहीं पे
जिनको आप इंसल्ट बार बार करते थे। भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ अखिलेश कश्यप और महेश पांडे ही मतलब ब्राह्मण थे का, जिनका मतलब उनके साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है तो ब्राह्मण के ऊपर हो गया, और ये जो जितने भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज लोग थे ये ब्राह्मण नहीं है, ये भी तो ब्राह्मण है। तो आपने कितना ब्राह्मण का इज्जत किया है ये कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। अब आइए आपके पिताजी, आपने बोला कि मेरे पिताजी जब भी किसी ब्राह्मण के बच्चे को भी देखते हैं तो पैर छूते हैं। सुनने में हमको आता है कि आरती न्यूज वाले जो मनीष भाई हैं वो भी शायद ब्राह्मण हैं, और उनका कितना अच्छा से इज्जत किए हैं आपके पिताजी, ये भी हम लोग जानते हैं। शंभू बाबा शायद वो भी ब्राह्मण है, उनका भी मैंने एक बार देखा था, आप बोल रहे थे कि मेरे पिताजी जो हैं वो ब्राह्मण का बड़ा इज्जत करते हैं, वहां भी हमने देखा था कि शंभू बाबा को किस प्रकार से बोल रहे थे कि मूत पी के आए हैं। आज भी YouTube पे वो वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा एक बार, कुछ भी बोल देते हैं आगे ना बड़ा बुरा लगता है, नहीं बोलना चाहिए। मतलब ठीक है जो गलत कर रहा है उसके साथ, आपने भी तो कई लोगों पे FIR किया था, तब तो पवन सिंह लाइव नहीं आया, कोई इंडस्ट्री के लोग लाइव नहीं आया। आपके परिवार के ऊपर जब पड़ता है तो आप मतलब अपना पावर दिखा सकते हैं, और वो आदमी डायरेक्ट उनके मतलब फैमिली पे टारगेट करे, परिवार पे टारगेट करे। कल ही तो हमने वीडियो बनाया था, जाके देखिएगा, उसमें वो आप ही का महेश पंडे कह रहा है कि क्या है पियक्कड़ स्टार जी, दिन में दारू पीने लगे, और कई गाली का वीडियो। अभी मैंने उसी का आपके महेश पांडे का एक वीडियो देख रहा था, मैं सर्च कर रहा था, उसमें ऐसे ऐसे गाली दे रहा था, ऐसे ऐसे गाली दे रहा था कि शायद आप सुनिएगा ना तो आपका भी अपना कान जो है ना वो बंद करना पड़ेगा। उम्मीद होगा कि आप समझ गए होंगे और भोजपुरी के सारे ऑडियंस की ये खेसारी लाल यादव भैया जो हैं वो ब्राह्मण का कितना इज्जत करते हैं। पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ब्राह्मण बता दीजिए जिससे आपको बनता हो, जो आपके टीम का नहीं हो, मैं मान जाऊंगा कि आप ब्राह्मण को बड़ा सम्मान करते हैं, और जिसको पूरा ऑडियंस जानता हो ना, आप आ राजकुमार पांडे को, मनोज पांडे को, चिंटू पांडे, प्रियंका पंडित, रितेश पांडे, अरविंद किल्ला कल्लू, आशीष वर्मा, और कोई ब्राह्मण छूट रहा है क्या भाई? अब बिलेन के साथ आपका क्या हुआ है एक्सटर्नली तो पता नहीं है, मतलब लोगों को इंटरनली होगा ही होगा, अवधेश मिश्रा, संजय पांडे, इन सब के साथ क्या है नहीं है वो तो नहीं जानते हैं, यही शायद एक दो छूटे हुए हैं, तो यही सच्चाई है। बाकी पवन सिंह कितना करते हैं नहीं करते हैं, और जातिवाद में कृपया करके मत बांटिए, जातिवाद में मत बांटिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कृष्ण और सुदामा का जोड़ी, ठीक है ना, अच्छा है, कृष्ण सुदामा का जोड़ी था, बहुत बढ़िया था, कोई कह रहा है कि नहीं है, रहना भी चाहिए, लेकिन शुरू से अंतिम तक उठा के देखिएगा पृथ्वीराज चौहान के साथ ब्राह्मण का मित्र। खैर छोड़िए, इन सब टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं, बाकी आपको उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा। मिलते अगले वीडियो में, लव यू ऑल।